एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने स्वाइप अप प्लेटफॉर्म पर 3 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। ये सीरीज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो पहला है एक्साइट क्रेडिट कार्ड, दूसरा एयू एक्साइट अल्ट्रा क्रेडिट कार्ड, तीसरा है एयू एक्साइट एस क्रेडिट कार्ड। तो इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड, तीनों ही कार्ड के लिए हम कार्ड टू कार्ड ही अप्लाई कर पाते हैं। तो पूरा प्रोसेस कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने का ही प्रोसेस है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के इस वीडियो में तीनों ही कार्ड्स के लिए हम कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी हम गलती करते हैं जिससे हमारा जो है ये लाइफ टाइम फ्री वाला क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर ही नहीं पाते, या अप्लाई कर पाते हैं लेकिन यहाँ हमारा कार्ड डिक्लाइन भी हो जाता है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि हमें जो है कैसे अप्लाई करना है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्वाइप अप का प्लेटफॉर्म यहाँ देखेंगे, स्वाइप अप यहाँ बैनर इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार का बैनर शो होगा, वहीं आपको क्लिक हियर का ऑप्शन है, वहीं आपको क्लिक करके यहाँ इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो अदरवाइज कहीं और से आप क्लिक करेंगे, कार्ड का ऑप्शन में जाके कहीं और से आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आप यहां नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के अप्लाई प्रोसेस में चले जाएंगे, और ऐसे में हो सकता है आपको कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपको इस प्रकार का जो एक्साइट क्रेडिट कार्ड है जो कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है इसको अप्लाई करने का ऑप्शन ही ना मिले। जब भी इस कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे, आप अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का 6 डिजिट एंटर करेंगे तो उस कार्ड के जो भी फीचर्स होंगे तो बहुत अच्छे फीचर्स उस कार्ड के होने चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको ये जो स्वाइप अप प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे जब भी आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप जिस भी कार्ड के अगेंस्ट में अप्लाई करेंगे उस कार्ड के फीचर्स डिटेल यहाँ से फेच कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में उस कार्ड का फीचर्स बहुत अच्छा होना ज़रूरी है और साथ में उसकी लिमिट भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे में एक तरफ आपको जो है जो कार्ड है आपका ओल्ड क्रेडिट कार्ड है, पुराना क्रेडिट कार्ड है किसी दूसरे बैंक का, उसका यहाँ फीचर डिटेल्स यहाँ फेच किया जाता है और दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी गलती यहाँ मत करिए कि जिस भी कार्ड के फीचर अच्छे नहीं है उस कार्ड को यहाँ आप इंटर करेंगे, कार्ड टू कार्ड अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे कार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको बेसिक कार्ड ही यहाँ दे दिया जाएगा। हालांकि सारे ही कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री है लेकिन फीचर्स आपको हो सकता है अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। और कभी कभी ये भी आपसे गलती हो सकता है कि आपने बिल्कुल ही नया क्रेडिट कार्ड है उसके अगेंस्ट में यहाँ कार्ड टू कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपने कार्ड पुराना कार्ड है दूसरे बैंक का वो हो सकता है 1 से 2 महीना ही पुराना होगा। तो ऐसे में हो सकता है जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा वो पर्टिकुलर बैंक जो है सिविल में उस कार्ड की रिपोर्ट नहीं भेजी होगी। तो यहाँ ऐसे में बात किया जाए तो HDFC क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात किया जाता है, यहाँ पर जो भी एक्चुअल जो क्रेडिट लिमिट होती है HDFC बैंक की, वो बैंक जो है HDFC जो एक्चुअल क्रेडिट लिमिट होती है उसको बैंक यहाँ सिविल को रिपोर्ट नहीं करती है। तो HDFC में होता यह है कि एक्चुअली जो भी आप जो क्रेडिट लिमिट होती है HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की, तो जितना आप क्रेडिट लिमिट को यूज़ करते हैं उतने ही अमाउंट को यहाँ बैंक जो है सिविल को रिपोर्ट भेजती है। तो एक्चुअल जो उस कार्ड का लिमिट है सिविल में यहाँ पता नहीं चलता है। तो आप इस कार्ड पर स्वाइप अप प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिविल या उस कार्ड का डिटेल्स के हिसाब से सिविल के द्वारा यहाँ फेच कर दिया जाता है, तो हो सकता है आपको ऐसे में लिमिट कम मिलेगा। तो यहाँ बेटर रहेगा जब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे एक बार आपका सिविल रिपोर्ट यहाँ ज़रूर चेक कर लें, तो ऐसे में पता लग जाएगा कि कौन से कार्ड का कितना लिमिट शो हो रहा है, किस तरह का वहाँ रिपोर्ट्स है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान रखेगा। अगला गलती ये करते हैं कि जब भी आप अप्लाई करेंगे इस कार्ड के लिए तो आप एरिया पिन कोड को आपको जो है ज़रूर एक बार सर्विसेबल है नॉन सर्विसेबल है इसको ज़रूर चेक कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो अगर आप एक बार नॉन सर्विसेबल एरिया में यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे में आपको हो सकता है 6 महीने तक आपको यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे फिर से OTP आएगा, फिर से सबमिट करेंगे तो वहीं से आप यहाँ अटक जाते हैं, सिस्टम जो है आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ अगर आपके एरिया पिन कोड में सर्विस नहीं है क्रेडिट कार्ड की तो ऐसे में आपने रिलेटिव जहाँ पे भी रहते हैं हो सकता है आपके रिलेटिव्स के यहाँ क्लोज रिलेटिव्स होंगे तो हो सकता है वहाँ पे सर्विस होगी क्रेडिट कार्ड की, तो ऐसे में उनके एड्रेस में जाके उनके घर से आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से आपको वीडियो कैसी कंप्लीट करनी है।
ऐसा ना हो कि आप जो है वो एड्रेस किसी और का दे दिए और वहाँ से आप जो है कहीं और से आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ डिक्लाइन हो सकता है। हालांकि सर्विसेबल एरिया पिन कोड का कोई एड्रेस प्रूफ होगा तो ऐसे एड्रेस प्रूफ के अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जब भी अप्लाई कर रहे हैं हो सकता है आपको कुछ इस तरह का एरर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसे में आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अप्लाई नाउ के बटन में आपको क्लिक कर देना है और सबसे पहले आपको स्वाइप अप प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और पैन डिटेल्स यहाँ डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी अदर बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होगा जिसके अगेंस्ट में आप कार्ड टू कार्ड यहाँ अप्लाई कर रहे होंगे, तो उस कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट एंटर कर देना है और जैसे आगे प्रोसीड करेंगे आपको जो है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी आपने जिस भी कार्ड का 6 डिजिट आपने एंटर किया है उस कार्ड का सारे डिटेल्स फेच कर दिया जाता है। उस कार्ड का फीचर्स एक साइड में फीचर्स देखने को मिलता है और दूसरे साइड में आपको जो है AU बैंक का एक्साइट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे उसके फीचर डिटेल्स आपको कंपेयर करके इस तरह से आपके लिए कार्ड जो है प्रोवाइड करती है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में यहाँ देख पा रहे हैं, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह का जो है स्वाइप अप प्लेटफॉर्म AU बैंक की तरफ से बहुत ही अच्छा सर्विस यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको इस तरह से आपको केयरफुली अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस यहाँ चूज़ करना है। डिलीवरी एड्रेस चूज़ करने के बाद आसानी से आपको यहाँ वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको घर बैठे ही वीडियो केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ पैन नंबर, आपको पैन कार्ड ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और आपको यहाँ एक सिग्नेचर लिया जाएगा, आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। तो विद इन मिनट्स आपका वीडियो केवाईसी यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है और आसानी से ये आपका लाइफ टाइम फ्री AU एक्साइट क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।